किसी भी एक कैंडिडेट को इंटरव्यू में रिजेक्ट करने से कंपनी को भला क्या ही नुकसान हो जाएगा, 10,000, 15,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का। लेकिन भाई साहब अजीम प्रेम जी को नुकसान हुआ पूरे 80 बिलियन यानी कि 6,000 करोड़ रुपए का। मार्क जुकरबर्ग का हुआ 19 बिलियन यानी कि 1,50,000 करोड़ रुपए का। अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं एक एम्प्लॉय भला क्या तूफान उठा सकता है। इस पर सर मैं आपको बताना चाहूंगा, नारायण मूर्ति जब इंजीनियर बने थे तब वो विप्रो कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे और विप्रो ने उन्हें मना कर दिया, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट हो गए तो बोलो यार क्या करें। उन्होंने सोचा क्यों ना खुद की कंपनी डाल लेते हैं और उन्होंने नारायण मूर्ति जी ने 80 बिलियन की एक कंपनी डाल दी जो कि अजीम प्रेम जी से लगभग 2.5 गुना का ज्यादा कारोबार करती है। अजीम जी वही 34 मिलियन पर ही पड़े रह गए और अजीम प्रेम जी ने काफी इंटरव्यू में भी कहा है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी नारायण मूर्ति को रिजेक्ट करना। ऐसे इसी तरह से एक और किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ब्रायन एक्टन जो फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किए थे, फेसबुक ने उन्हें मना कर दिया। उसके अगले साल उन्होंने ट्विटर में अप्लाई किया और बैड लक ट्विटर ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, ब्रायन एक्टन ने अपना एक खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया और जो इन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप भी यूज करते हैं व्हाट्सएप को लॉन्च कर दिया। गाइज व्हाट्सएप की कमाई फेसबुक और ट्विटर को भी पीछे छोड़ने लगी। अगर आप बिजनेसमैन है, सीईओ है और आप बंदे का इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी डिग्री कागज से बेस्ट रहेगा कि उसकी क्वालिटी, उसकी माइंड रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करें। आपको मिली इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।